तो अजमेर के गंज थाने में शादी का जैसा देकर बलात्कार का मामला सामने आया है। पीड़ित ने घटना के 3 साल बाद थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है और मामले में कार्रवाई की मांग की है। जानकारी देते हुए थाने के हेड कांस्टेबल चेनाराम ने बताया कि थाना क्षेत्र की रहने वाली एक पीड़िता ने थाने पर उपस्थित होकर मुकदमा दर्ज कराया कि 3 साल पहले दरगाह जियारत के दौरान उसकी मुलाकात इमरान नाम के लड़के से हुई थी और उससे शादी की बात भी की गई, जिसके बाद एक दूसरे के नंबर लेकर बातचीत शुरू हुई। इसी दौरान उसके कई बार अवैध संबंध बनाए गए, लेकिन शादी नहीं की। शादी को लेकर लगातार इमरान से संपर्क किया गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। एक महिला ने उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट दी कि आज से 3 वर्ष पूर्व दरगाह जियारत के दौरान दरगाह में इमरान नामक लड़के से मुलाकात हुई। उसने पूछा कि आप शादीशुदा हो, मैंने मना करा तो उसने कहा मैं आपसे शादी करना चाह रही हूँ और आपस में नंबर ले लिए और बातचीत होती थी। उसके बाद वो उसने शादी का झांसा दे के मेरे कमरे पर आके मेरे साथ गलत काम किया। फिर कुछ समय बाद उसने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी। इस प्रकार उसने मेरे साथ धोखाधड़ी की आदि पर उपस्थित थाने होकर रिपोर्ट दी, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। 376(2N) 417 IPC। ठीक सर, आपका नाम? चेनाराम हेड कॉन्स्टेबल पुलिस थाना गंज में।